The question is, a number is 27 more than the number obtained by reversing its digits. If its units and tens digit are x and y respectively, then write the linear equation representing the above statement. अब हमें given क्या है कि एक number है two digit number, उसका unit digit और tens digit हमें given है x and y, right? तो अब उसमें क्या बोल रहा है कि अगर एक number जो है, उससे जो number बनेगा x और y से, is 27 more then the number obtained by reversing its digits. अगर उसके digits को reverse कर दिया जाए, means अगर suppose starting में number हमारा 28 है, ठीक है, तो reverse करने के बाद हमारे पास digit नया number क्या बन जाएगा, 82 बन जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने वैसे example लिया है, हमें यहाँ पे x और y के form में number बनाना है, तो जो number बनेगा after reversing the digits, उससे जो original number है वो 27 ज़्यादा है, ठीक है? तो हमें इसे represent करना है linear equation की form में. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट सपोज करने होते हैं और इसमें हमें गिवन ही है कि यूनिट एक्स है और टेंस जो है वाई है. वी हैव यूनिट डिजिट इज एक्स एंड टेंस डिजिट वाई. तो इसके अकॉर्डिंग नंबर कैसे बनेगा? अब देखो कोई भी अगर नंबर होता है, कोई भी नंबर है, सपोज 36 मैंने लिया, तो नंबर कैसे बनता है? ये 30 प्लस 6 से बनेगा, राइट? 30 कैसे बना? यानी कि 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें यूनिट डिजिट को तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड करके ही हमारे पास नंबर बनाएंगे. मींस 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट डिजिट को 1 से, तो ये हमें वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं होती. तो 10 डिजिट को 10 से प्लस यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर भी हमें सेम रूल अप्लाई करना है. नंबर जो बनेगा वो कैसे बनेगा? 10 इंटू वाई, टेंस डिजिट वाई प्लस यूनिट डिजिट, राइट? ऐसा मत कर देना कि टेंस डिजिट वाई है और यूनिट डिजिट एक्स है तो ये वाई एक्स नंबर बन जाएगा, नहीं, ये तो मल्टीप्लाई हो गए, है ना? तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें नंबर बनाना है उन उसके एग्जैक्ट फॉर्म में. तो नंबर हमें इस टाइप से बनाना होगा. तो अब अगर हम इनके डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट बन गया हमारा वाई, आफ्टर रिवर्सिंग ये जो यूनिट है वो हो गया वाई और ये हो गया x, तो नया नंबर क्या बनेगा हमारे पास? नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स विल बी, देखो जैसे यूनिट डिजिट को 1 से और टेंस को 10 से किया था, सिमिलरली यहां पे भी करना है, तो 10x प्लस y ये हमारा नंबर बनेगा नया वाला डिजिट रिवर्स करने के बाद. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला क्या है कि जो नंबर है, अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, ठीक है? ये हमारा न्यू नंबर था और ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, तो जो ओरिजिनल नंबर है ये 27 ज्यादा है न्यू नंबर से, यानी कि जो न्यू नंबर होगा उसमें अगर हम 27 ऐड करेंगे देन बोथ विल बी इक्वल, ठीक है? तो यहाँ पर हम पुट करते हैं वैल्यूज, 10y प्लस x, न्यू नंबर है हमारा 10x प्लस y प्लस 27. अब लीनियर इक्वेशन में इसको सही फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप सभी टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y माइनस 27 इज इक्वल टू 0. तो 10y माइनस y 9y माइनस 10x प्लस x माइनस 9x माइनस 27 इज इक्वल टू 0. पूरी इक्वेशन 9 से डिवाइड हो रही है, y माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है? और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, x पॉजिटिव y नेगेटिव एंड 3 विल बी पॉजिटिव, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी. आप दोनों आंसर लिख सकते हो, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है. Thank you.